तो फर्स्ट ब्लॉग जो है वो आप लोगों ने देख ही लिया है एंड ब्लॉग देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा। एंड जैसे कि अभी अपनी बाइक पे जो है रैप का काम स्टार्ट मैं जो है करने वाला हूँ, और रैप का काम स्टार्ट करने से पहले जितने भी पैनल्स वगैरह जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला ही था कि सारे जो है मैं वॉश करूंगा अच्छी तरीके से, तो चलिए फटाफट से पैनल वगैरह जो है वॉश करते हैं एंड आप लोगों को जो है मैं कलर जो है वो रिवील करता हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है आप लोगों को जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हो और उतना ही ज़्यादा मैं हो रहा एक्साइटेड। एक्चुअली मेरे को खुद को नहीं पता अभी कि अपनी बाइक जो है पूरी रेडी होने के बाद जो है कैसी लगेगी कैसी नहीं, तो फिलहाल जो अपनी बाइक पे रैप का काम स्टार्ट करते हैं एंड फाइनल लुक जो आने वाला है भाई सोच तो कुछ अच्छा ही रखा है एंड बाकी देखते हैं। आप लोग मेरे को जो है कमेंट करके अपनी राय जो है जरूर देना एंड आप लोगों के लिए आपका भाई और यूनिक वीडियो लेके आएगा, तो फटाफट से जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके एक बार अपनी राय जरूर दें। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, तो ऐप अपने रैप करना स्टार्ट करेंगे एंड वो घड़ी आ चुकी है कि मैं आप लोगों को जो है रैप शीट जो है रिवील कर देता हूँ एंड ये देखो।
to something I've needed. I'm looking for a reason. Finding all you want in a demon. And you took it all away from me. And you took it all away. गाइज अभी जो फिलहाल अपने जितने भी पार्ट्स है बाइक के आप लोगों ने देख ही लिए, टोटल कम्प्लीटली हम लोगों ने जो है अलग अलग कर दिए हैं। एक बारी थोड़ा कैमरामैन पीछे जाके एक बारी दिखा दो सारा, ये देखो पूरा पूरा भंडार जो है, ये देखो दिख रहा है आप लोगों को। तो अब अपने करेंगे फटाफट से वॉश, एंड वॉश करते ही फिलहाल जो है फाइनली जिस लोगों के लिए आप वेट कर रहे हो कि कौन सा तुम्हारा भाई जो रैप करने वाला है उसकी अनबॉक्सिंग करेगा, तो चलिए फटाफट से पहले फिलहाल इनको करते हैं वॉश। Defeated, holding on to something I've needed. I'm looking for a reason. Finding all you want in a demon. Helpless, defeated, holding on to something I've needed. I'm looking for a reason. Finding all you want in a demon. गाइज फिलहाल यार फाइनली अपने जितने भी बाइक के जो पार्ट्स थे वो सारे वॉश कर लिए हमने अच्छी तरीके से, एंड फाइनली जो है अपने रैप करना स्टार्ट करेंगे। एंड वो घड़ी आ चुकी है कि मैं आप लोगों को जो है रैप सीट जो है रिवील कर देता हूं। एंड ये देखो, अगर आपको वीडियो के अंदर अच्छे से प्रॉपर नहीं दिख रहा हो तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एक्चुअली ये जो रैप सीट है अपने पास क्रिस्टल शाइनिंग वाली जो आती है हाई ग्लोसी सीट, वो वाली सीट है। इसके अंदर जैसे अपने किसी भाई के पास अगर ऑलरेडी येलो कलर की रेडर हो तो उसके अंदर आप लोगों ने अगर नोटिस किया हो तो जो धूप के अंदर शाइनिंग मारती है ना उसके अंदर क्रिस्टल शाइनिंग दिखाई देती है, तो वही सेम सीट जो है अपने इसके अंदर ग्रीन कलर है। बस अभी इसके ऊपर जो है छोटे मोटे मैं ग्राफिक्स भी करवाऊंगा, तो उसके बाद जो है अपने देखते हैं कि फाइनल लुक जो है वो कैसा आता है। तो चलिए फटाफट से एक बार जो है अपने काम स्टार्ट करते हैं।
फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में अपने बाइक का जो रियर वाला जो नहीं फ्रंट वाला सॉरी फ्रंट वाला जो मडगार्ड है वो भी मेरे हाथ में, और कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है। ये जो है अभी अपने सिंपल प्लेन तरीके से लगा है, इसके ऊपर जो है अभी लोगो जो अपने पहले लगा हुआ था रेडर का वो भी लगेगा, तो वो अपने लगाएंगे। उसके बाद जो लुक है वो आप लोग चेक करना, और अभी दूसरे पार्ट्स जो और हैं उनके करते हैं। पहले थोड़ा सा खाना खा लेते हैं यार, भूख लग रही है मेरे को। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से। तो फ्रेंड्स यार, फाइनली जो है अपनी बाइक एक बारी कंप्लीट हो चुकी है, एंड एक्चुअली थोड़ा काम जो है अभी बाकी है इसके ऊपर। एंड एक चीज़ मैं आप लोगों को अभी भी बता दूं कि जो एक्चुअली मेरे को इसके अंदर काम करते हुए हो गया आज तीसरा दिन, तो वीडियो जो है मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। एक्चुअली मैंने फर्स्ट टाइम जो है ट्राई किया तो काफ़ी ज़्यादा मेरे को गुस्सा भी आ रहा था तो मैं वीडियो जो है शूट नहीं कर पाया। बट फाइनली जो है तीन दिन के बाद जो है तुम्हारे भाई की जो मेहनत है वो रंग ला चुकी है। एक बार मैं आप लोगों को चेक करवाता हूँ, ये देखो। एंड अब भी इसके ऊपर छोटा मोटा काम मेरे को और कराना, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो, आगे हेडलाइट जो है दिख रही होगी आपको, तो इसकी जो भी वायरिंग वगैरह है जो मेरे को करवानी है, और इसको जो है मैं अभी पूरी डार्क ब्लैक में करूँगा। एंड एक्स्ट्रा लाइट जो फॉग लाइट आती है वो अपने यहाँ पे लगवाएंगे। एंड बाकी छोटा मोटा इसके ऊपर जो है कस्टम ग्राफिक का काम जो है वो भी अपने इसके ऊपर करवाएंगे, तो फाइनल लुक जो है वो आप लोगों को जल्दी देखने को मिलेगा। तो वीडियो को जो है एंड तक पूरा वॉच करना, ताकि आप लोगों को पता चले कि हमने बाइक के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन करवाए हैं। एंड वीडियो के एंड में जो है बाइक की पूरी फुल डिटेल देने वाला हूं मैं, कि कितना क्या कॉस्ट जो है मेरे को लगा है, एंड जो भी सब कुछ होगा तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ जरूर शेयर करेगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ, एंड मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर के अंदर। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अभी अपनी जो रेडर है वो फुल्ली टोटल कम्प्लीट हो चुकी है। जो रैप का काम था वो भी पूरा कम्प्लीट हो चुका है, एंड एग्जॉस्ट जो है वो भी मैंने वापस लगा दिया है। एंड पीछे वाला टायर अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो मैंने बोला था कि मैं कैप भी लगाऊंगा हाफ वाली, तो वो भी अभी मैं इसके अंदर लगा चुका हूँ। एंड अभी जो अपनी बाइक का लुक है कुछ इस तरीके का आ रहा है। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि वीडियो जो है पूरी एंड तक देखना, मैं आप लोगों को पूरी डिटेल दूंगा। तो आप लोगों को मैं साथ में एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि मैंने अपनी बाइक के अंदर, ये देखो, यहाँ पर जो है फॉग लाइट इंस्टॉल की है, तो कुछ फ्रंट से इस तरीके की लग रही है गाड़ी। एंड साथ में अगर आप लोगों को दिख रही हो तो रेड कलर की आइज जो है ये भी मैंने इसके अंदर बनवाई है। तो ये सारा जो है इसके अंदर, और एक चीज़ आपको और बता दूं मैं, ये जो है HJG की ओरिजिनल फॉग लाइट है। ठीक है, तो जो पूरी बाइक का जो मेरे को कॉस्ट अराउंड पड़ा है वो आप लोगों को मैं बता दूँ, लगभग टोटली 4000 रुपये के आसपास एसेसरीज और जो सामान मैंने इसके अंदर लगाया है ये सिर्फ उसकी कॉस्ट है। बाकी जो मेरी मेहनत है वो सब अलग है इसके अंदर, वो मैं आप लोगों को इसके अंदर नहीं बता रहा हूँ। जो टोटल इसके अंदर सामान का जो पैसा लगा है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अराउंड समथिंग 4000 रुपये के आसपास मेरे इसके अंदर कम्प्लीटली लग चुके हैं। एंड सीट का मैं आप लोगों को बताऊँ तो ये जो है मैंने खुद ही ऑर्डर करके मंगवाई थी अमेजोन से, तो आप लोग भी जो है परचेज कर सकते हो, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। एंड दूसरा कि आप लोगों को जैसे पता है कि मैंने खुद ही पूरी बाइक को तैयार किया था, एंड तैयार करते वक्त एक चीज़ जो है मैं नहीं कर पाया, जो उनकी वीडियोस वगैरह थी वो मैं नहीं बना पाया, एक्चुअली अकेला था मैं करने वाला, तो कोई ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो जो है पसंद आई हो, तो लाइक कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जो है ज़रूर करना। एंड मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।